एक ऐसा उपाय जिसे करने माँ से कोई काम टल नहीं सकता, एक बार जरूर करें। केवल 3 दिन ऐसे रहते हैं, 3 वार ऐसे रहते हैं, 3 नक्षत्र, 3 पल, 3 तिथियां ऐसी रहती हैं, 3 समय ऐसा होता है जिस समय पर आपके द्वारा चढ़ाया गया शूल स्वयं शिव धारण कर लेते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, इस समय शिव शूल धारण करते हैं उस नक्षत्र में। वो शूल धतूरा बेलपत्र के साथ महादेव धारण करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं, बेटी घर में बड़ी तो हुई है लेकिन मायके में दुख ही रहा है, ससुराल गई तब भी दुख देखा, तो मेरे महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी, 3 नक्षत्र, 3 पल अगर कोई व्यक्ति इन 3 पलों में शूल चढ़ा देता है तो मैं उसके जीवन से ही शूल हटा देता हूँ। वो 3 लिखे हैं स्कंद पुराण में पल। स्कंद पुराण में जाने वो कौन सा पल है, ध्यान से सुनना। जो लोग अपने जीवन से बहुत तंग हो गए हों, बहुत परेशान हो गए हों, कष्ट में जीवन जी रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, उनके लिए स्कंद पुराण का ये चरित्र है, आप प्रेम से सुनिएगा। पहला वो समय बैसाख के महीने में जो प्रदोष आता है, चाहे वो प्रदोष रविवार का हो, सोमवार का हो, मंगलवार का हो, बुधवार का हो, गुरुवार का हो, शुक्रवार का हो, शनिवार का हो, कोई भी वार का हो, बस बैसाख महीने की प्रदोष होना चाहिए। तो प्रदोष काल में शाम का समय हो, सूर्य डूब रहा हो, सूर्य के डूबने के बाद महादेव को धतूरे के साथ में बेलपत्री का 7 कांटा, ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्र नहीं चढ़ाना है बल्कि बेलपत्र के वृक्ष का 7 कांटा धतूरे के साथ बाबा को चढ़ा देना है। ये आप अपनी ज़िंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए करेंगे। आप फिर जिस भी व्यवसाय में उतरेंगे, जिस भी नौकरी में उतरेंगे, आप देखना आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। दूसरा कौन सा पल है, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय यानी दोपहर के समय ठीक 12 बजे, शिवरात्रि जिस दिन भी पड़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बेलपत्र के वृक्ष के कांटे महादेव को समर्पित कर देना है। तीसरा कौन सा वो पल है, श्रावण यानी श्रवण महीने का दूसरा सोमवार जो भी पड़े या जिस दिन भी पड़े, उस दिन अगर महादेव को धतूरे के साथ बेलपत्र के वृक्ष का 7 कांटा महादेव को समर्पित कर देता है, उसे ज़िंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। ये ऐसे पल हैं जिस समय महादेव को धतूरा और बेलपत्र का 7 कांटा समर्पित कर दिया जाए तो समर्पित करने वाले व्यक्ति का कोई भी काम टल नहीं सकता, वो ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहेगा।